सऊदी अरब में सजा के तौर पर अपराधियों को कोड़े मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ सजा देने के लिए और भी कई तरह के बर्बर तरीके अपनाए जाते हैं जो बहुत ही भयानक होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग कोई भी जुर्म करने से पहले 10 बार सोचें। हालांकि इस तरह की सजा के प्रावधानों को लेकर सऊदी अरब की आलोचना भी होती रही है, लेकिन लगता है सऊदी ने अब सजा देने के इन बर्बर तरीकों को खत्म करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सऊदी अरब में कोड़े बरसाने की सजा पर रोक लगाई जा रही है। ये जानकारी मीडिया में लीक हुए लीगल डॉक्यूमेंट से सामने आई है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोड़े बरसाने की सजा को कारावास या जुर्माने में बदला जाएगा। बताया जा रहा है कि मानवाधिकार के खराब रिकॉर्ड को देखते हुए सऊदी अब अपनी छवि सुधारने की कोशिशों में जुट गया है। कोर्ट में कहा गया है कि ये किंग सलमान और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ओर से शुरू किए गए मानवाधिकार रिफॉर्म का हिस्सा है। आपको बता दें कि सऊदी सरकार विरोधियों को जेल में डालने और पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या को लेकर आलोचनाओं के केंद्र में रही है। सऊदी अरब कोड़े बरसाने को लेकर पिछली बार तब सुर्खियों में आया था जब साल 2015 में एक ब्लॉगर रैफ बदावी को पब्लिक में सजा दी गई थी। उस पर साइबर क्राइम और इस्लाम के अपमान का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट।